वो जो प्रेशर होता है काम करने का, दबाव आपके सीनियर आपके ऊपर रहता है, तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो एक वो थोड़ा सा एक वो नर्वसनेस भी होती है। okay. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप उनके आंसर्स नहीं दे सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीशन एसोसिएटेड विद द एग्जाम। वैसे तो थंबनेल देखकर और ट्रेलर देखकर आपको पता चल गया होगा, आजकल यूट्यूब की ऑडियंस ऐसी हो जा रही है ना, पहले ही पता चल जा रहा है, सरप्राइज रही नहीं रहा है कि किसको हम बुला रहे हैं, किसका इंटरव्यू करा रहे हैं, आपको पता चल जा रहा है पहले से। लेकिन डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये तो सुना होगा आपने, पूरा वीडियो देखना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आपके जो मेंटर हैं, यूपीएससी टॉपर हैं, जो आपको गाइड भी करते हैं हर हफ्ते, हर महीने में एक दो बार, वो आज साक्षात यहाँ हमारे ऑफिस आए, मुझसे मिलने आए हैं नहीं, ये आप लोगों के लिए ही आए हैं, और बहुत रिक्वेस्ट करने पे यहाँ पर आए हैं। तो मैं एक बार स्वागत करना चाहता हूँ अमोल श्रीवास्तव सर का। अमोल सर, ढेर सारी शुभकामनाएं, और तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं नहीं चाहता कि मैं आपका इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन ये जो शो है हमारा, सिद्धार्थ भैया का शो, उसमें स्टूडेंट्स प्यार से भैया बुलाते हैं, वो पर्सनलाइज कैसे रहता है। तो मैं अपने ऑडियंस को सर के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हम पिछले कई महीनों से वी नो ईच अदर, एंड सर ने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि उनको गाइड किया है, मेंटोर किया है, यूपीएससी के, हरियाणा के, यूपी के पैनलिस्ट भी रह चुके हैं हमारे साथ स्क्रीन साझा कर चुके हैं, और फॉर्चुनेटली टॉपर्स निकले हैं, कुछ टॉपर्स थैंक यू भी बोलते हैं सर को, मैसेज भी आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये यहाँ पे आए तो इन्होंने कहा कि यूपीएससी मेरे लिए सबसे एग्जाम आसान एग्जाम था, बैंकिंग का, एसएससी का, बाकी सारे मुझे बहुत टफ लगे थे, तो मुझे लगा कि इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो सर शुरू करते हैं, क्यों कहा सर कि यूपीएससी सबसे आसान लगा मुझे among all the exams? ओके, तो यूपीएससी देश का नहीं, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है जी, पर अगर हम यूपीएससी को समझ लें कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है आपसे, एंड आपके क्या स्ट्रैटेजीज और एक प्लान होना चाहिए यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, तो आई थिंक यूपीएससी इज़ अ वेरी इजी एग्ज़ाम। इसको बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं या एरोगेंस भी कहते हैं, बट इसके पीछे एक रीज़न है। जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं जी। तो मेरे हिसाब से जो आईआईटी, आईआईएससी या जो भी ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं, वो खुद में ही बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तो अगर और कोई कंपटीशन हो ना और फिर भी हमसे कहा जाए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए इस एग्ज़ाम के, आईआईटी के, या इनफैक्ट मैं बैंकिंग भी कहूँगा, okay. तो वो शायद वो इस एग्ज़ाम्स के उन क्वेश्चंस की जो टेक्निकलिटी है वो खुद में ही बहुत डिफिकल्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीशन एसोसिएटेड विद द एग्जाम। अगर आपको वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप उनके आंसर्स नहीं दे सकते। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, यूपीएससी की अगर हम प्रिपरेशन देखें तो उसमें सबसे पहले कोई भी मेंटर, कोई भी फैकल्टी आपको यही आके कहेंगे कि आपको 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो तो आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली 6 से 12 की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के और एक न्यूज़पेपर पढ़ के, जो कि सब पूरी दुनिया पढ़ती है, अगर वो पढ़ के एग्जाम क्लियर हो सकता है तो उस एग्जाम को मैं टफ नहीं मानूंगा। राइट। उस एग्जाम को अप्रोच करने की जो स्ट्रैटेजी है, उस एग्जाम की डिमांड को समझना, उस एग्जाम में अपीयर होना, उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना, बिकॉज इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव एग्जाम। बाकी एग्जाम्स एक दिन के होते हैं, ये एक प्रीलिम्स में 2 एग्जाम, पूरा दिन का एग्जाम होता है, फिर 5 दिन मेंस चलता है जिसमें आपको 3-3 घंटे 2 बार पूरा आपका एग्जॉस्टिव राइटिंग होती है, फिर एक इंटरव्यू होता है जिसमें देश के जो सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके 30-35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें अपने आप को प्रेजेंट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। बट एज फार एज studying is concerned or syllabus is concerned, I'll think and I'll say कि बाकी एग्जाम से it is on the easier side. Right. मतलब जो आपने शुरू में बताया था मुझे कि किस वजह से इस एग्जाम को क्लियर करना है, किस वजह इम्पोर्टेंट है इसमें, आपकी क्या वजह थी, मतलब वो रीजन आपने कैसे फाइंड किया? वजह देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ इसलिए एग्जाम की तैयारी करते हैं कि उनको बस एक एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मैंने देखा है, मेरे अगर मैं गाइड भी करता हूँ जिन एस्पिरेंट्स को, तो सभी लोग एसएससी से लेकर यूपीएससी तक सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेहनत कम करते हैं, हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, बट एक जगह जहाँ वो चूक जाते हैं वो इन सारे एग्जाम्स का जो आउटकम है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस से भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस एग्जाम का आउटकम और मोटिव इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन यूपीएससी का आउटकम, भले ही आपको टॉपिक सेम पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में जो आप पढ़ेंगे उससे आपको एक डिग्री मिलेगी, आपको कहा जाएगा कि आप पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलिस्ट हो गए हैं, आपने मास्टर्स किया है, आपने आपको प्रोफिशिएंसी मिली है। बट जब आप यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या ऑप्शनल लेते हैं तो उसका आउटकम आईएएस अफसर या एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनना है। आपको ना कोई डिग्री मिलती है ना आपको प्रोफिशिएंसी मिलती है। तो वो वजह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप फाइनल एम क्या चाहते हैं। तो अगर आपने जैसे मेरे एम के बारे में पूछा तो जैसे सभी इंडिया में मिडिल क्लास परिवारों का होता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट जरूर करते हैं कि आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। बट मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करी सेकेंड थर्ड ईयर की बात है, जब मेरे सारे दोस्त लोग अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने लगे, कोई एमबीए की तैयारी कर रहा था, कोई फॉरेन जाने की तैयारी कर। इंजीनियरिंग कहाँ से की है आपने? मैंने VIT वेलोर से करी है। ओके। तो सबने कुछ ना कुछ तैयारी करी तो मुझे भी लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए एंड तो मैंने सारे करियर ऑप्शंस को एक बार समझा, पढ़ा, जो क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा। तो उसमें मुझे सिविल सर्विसेज ने बहुत अट्रैक्ट किया एंड बिकॉज ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आप जो भी करते हैं उसकी आपको सोशल रिकग्निशन मिलता है, आप डायरेक्टली वो काम कर सकते हैं अपने समाज के लिए, प्लस आपका एक ह्यूमन कनेक्ट बना रहता है। Absolutely. तो वो जो कुछ चीज़ें मुझे मिली, जब मेरे कॉलेजेस में भी सेमिनार होते थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आते थे या सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं, अगर कोई भी पब्लिक फंक्शनरीज आते थे तो मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनकी जो इम्पोर्टेंस है और उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो उनके ऑफिस और उनके वर्क एनवायरनमेंट में भी उतना इम्पॉर्टेंट है और जनरल सोसाइटी में भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो दैट पॉइंट एक्चुअली क्लिक्ड एंड आई फेल्ट कि आई शुड pursue in this. So, ये कॉलेज में काफी सब हेल्प मिली इस सब चीजों से, लोग तैयारी कर रहे थे वहाँ पर। मेरे कॉलेज में कम लोग तैयारी कर रहे थे क्योंकि वहाँ मैक्सिमम लोग MBA और फॉरेन जाने के प्लान करते हैं, बट डेफिनेटली थे वहाँ पे भी लोग जो इस UPSC की तरफ जाना चाहते थे जी। बट ये था लाइब्रेरी अच्छी थी तो वहाँ बुक्स काफी अच्छी थी, तो पहला तो फर्स्ट स्टेप मैंने वहाँ से लिया। Okay. थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं अमोल जी, हम लोग एक आपका बॉर्न बॉटअप कहाँ पे हुए और फिर स्कूलिंग सबसे इम्पोर्टेंट। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉटअप सब नोएडा में ही हुआ, स्कूलिंग भी नोएडा में हुई। Okay. फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं वेलोर जो चेन्नई के पास एक शहर है वहाँ मैं गया, 4 साल मैंने अपने वहाँ बिताए। फिर मैंने मेरे कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट भी हो गया तो मैंने प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम भी किया है, भले ही मैंने बोला है कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ इंक्लाइंड हुआ बट मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है 1 साल। Okay. और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। मैंने हाँ जब एक दूसरे के बारे में हम जान रहे थे तो आपने मेंशन किया था डेटा साइंटिस्ट एक कोई कंपनी है जो कि आप उसमें काम कर रहे थे, तो जब आपको पता चल गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है फिर आपने जॉब क्यों चुनी? तो जैसा मैंने अपने पहले आंसर में बताया कि डिमांड समझना बहुत ज़रूरी है जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें एंड आपका आउटकम आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब मैंने यूपीएससी के बारे में समझा कि क्या नेचर ऑफ जॉब रहेगा, तो यूपीएससी में क्या होता है, आप चाहे किसी भी सर्विस में आप जाएं, फर्स्ट डे से आप हेड ऑफ द ऑफिस या हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। दैट इज़ द चार्म ऑफ यूपीएससी दैट राइट एट द एज ऑफ 23 to 25, 26 आप अपने भी जो जिस जुरिस्डिक्शन में आप हैं आप उसके हेड हो जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे इतने इम्पॉर्टेंट और इतने रिस्पॉन्सिबल एग्जाम की तैयारी करनी है तो मुझे थोड़ा फील्ड एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आई फेल्ट कि आई शुड सिट फॉर द प्लेसमेंट्स ऑफ कॉलेज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब, क्योंकि अभी तो हम एक कॉलेज माइंडसेट से होते हैं, सब कुछ केयर फ्री एटीट्यूड में होते हैं। तो आई फेल्ट कि एक मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, दैट वाज फर्स्ट रीज़न, सो दैट लेटर ऑन आई कैन परस्यू विद मोर मैच्योर्ड एटीट्यूड। तो ये मैच्योर एटीट्यूड आया कहाँ से? मतलब कॉलेज में बहुत कम लोग होते हैं, वो तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, तो ये कहाँ से आता है एटीट्यूड? नहीं, ये तो फिर सीख के ही आया ना। मैंने जब जॉब करी उसके बाद मुझे समझ में आया वो चीज़ कि ये लेना जरूरी। दैट वाज नंबर वन। नंबर टू, जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में पता किया, उस समय पैटर्न भी दूसरा होता था, तो बहुत टाइम लगता है, 3-4 साल लग जाते हैं, एंड अनसर्टेनिटी काफ़ी होती है। तो मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि मेरे कॉलेज में के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड काफ़ी लोग अच्छी अच्छी जगह प्लेस होते हैं, नहीं तो फॉरेन चले जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो आई फेल्ट कि मुझे एक बार एक एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर का ले लेना चाहिए, जिससे जब मैं तैयारी करूं यूपीएससी की तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने प्राइवेट सेक्टर नहीं देखा। राइट। तो यही एक जो मैंने बताया कि वजह जानना और एक समझ लेके एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेना, इसको कैलकुलेटेड रिस्क भी आप बोल सकते हैं। राइट। तो उस वजह से मैंने जॉब प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई किया, लकीली मेरी प्लेसमेंट हो गई, एंड जो कंपनी में प्लेस हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उस समय बिग डेटा साइंस बहुत नई चीज़ थी। हाँ, उस समय इट वाज 2014 में, इट वाज अ वेरी न्यू थिंग। सो आई थॉट दैट इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट दिस अपकमिंग कंसेप्ट अबाउट बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड एक साल मैंने काम किया, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हमने, बहुत ऑफशोर क्लाइंट्स के साथ डील किया। तो एक अपने आप पर्सनालिटी में मैच्योरिटी आ जाती है, बिकॉज वो भी कंपनी ऐसी है कि बहुत यंग एज में आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बहुत लर्निंग मिल जाती है। तो जब मैंने एक साल काम किया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, जैसे मैंने आपको ह्यूमन कनेक्ट की बात बताई, तो उस कंपनी में ये था, लर्निंग बहुत थी बट ह्यूमन कनेक्ट नहीं था, बिकॉज यू आर ऑल जस्ट डेटा वाज योर ओनली फ्रेंड। डेटा, सॉफ्टवेयर, एक्सेल, यही सिर्फ आपके दोस्त, आपके ह्यूमन कनेक्ट खत्म हो गया था। बट आई वांटेड अ जॉब विद अ ह्यूमन कनेक्ट। तो देन आई रियलाइज नाउ इट्स द टाइम टू क्विट एंड कम बैक टू प्रिपरेशन व्हिच आई हैड थॉट इन माय कॉलेज। और फिर जब मैंने तैयारी की तो मुझे खुद तैयारी में डिफरेंस पता चला, क्योंकि एज कम्पेयर टू अ फ्रेशर जो एस्पिरेंट जो कॉलेज से डायरेक्ट निकले हैं, उनका थोड़ा माइंडसेट कॉलेज वाला ही रहता है कि क्लासेस में टीचर ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं, आज तो सैटरडे संडे है फिर भी क्यों बुला लिया, होमवर्क क्यों दे दिया। बट मेरा वो एटीट्यूड था ना कि दैट आई हैव टेकन अ वेरी बिग स्टेप बाय गिविंग अप ऑन माय वेल पेइंग जॉब एंड कमिंग टू प्रिपरेशन। सो आई हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर माई हेड कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। उसने काफी डिफरेंस क्रिएट किया। राइट, थैंक यू सो मच। काफ़ी इंसाइट्स मतलब शेयर कर रहे हैं सर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जॉब करते हो, इंटेंशनली आप जॉब करना चाहते हो, तो एक तो आप बिल्कुल रॉ दुनिया में उतरते हो, जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल विल माइट जज यू, यू माइट जज लॉट ऑफ पीपल, एंड देन आप वो जो प्रेशर होता है काम करने का, दबाव आपके सीनियर आपके ऊपर रहता है, तो आप कॉलेज से जो फ्री माइंड होकर निकलते हो, फिर सीनियर आपको मिल जाता है बिकॉज दे आर पेइंग यू, फिर आपसे 10 घंटे 12 घंटे, तो टाइम मैनेजमेंट भी मेरे ख्याल से आ जाता है जब हम पहले जॉब पे करते हैं। तो आपको डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, आप कॉलेज के एटीट्यूड से ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं। दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड बहुत ही रैशनल डिसीजन लिया आपने। ग्रेट। अभी फिलहाल जहाँ आप पोस्टेड हैं, आप एज एन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हमारे GS3 का भी पार्ट है, सो क्या किताब भी चीज़ें जो पढ़ी होती हैं काम आती हैं वहाँ पर? इसमें भी मैं बाकी एग्जाम से यूपीएससी को कंपेयर करूंगा। तो बाकी एग्जाम्स हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली काफ़ी आउटडेटेड सिलेबस है उनका, बट यूपीएससी इज़ अ वेरी डायनेमिक एग्जाम। अगर आप पेपर्स देखेंगे तो बहुत रीसेंट फिनोमेना के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो जो भी आप यूपीएससी में तैयारी करते हैं वो डेफिनेटली हम जब फील्ड पर जाते हैं तो वो काम आती है बिल्कुल। जैसे अगर आप अभी देखें, साइक्लोन आने वाला है नॉर्थ ईस्ट में, और डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि साइक्लोन कैसे मूव करता है, उसकी सी पे क्या फिनोमिना रहता है, उसका लैंड पे क्या फिनोमिना रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, विंड स्पीड कहाँ तक जा सकती है, कैसे आपको जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करना है, ये सब यूपीएससी में हम पढ़ते हैं। तो वो उनका बस एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आप फील्ड पे अप्लाई करते हैं। ओके, मतलब ये कि काम आता है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई आपने पूरी लाइफ मैथ्स को 12th तक दिया और फिर लाइफ में आपके मैथ्स काम नहीं आ रही है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई। एंड नॉट ओनली इन सिविल सर्विसेज, जिसने भी यूपीएससी की तैयारी की है वो किसी भी फील्ड में जाता है, तो दैट प्रिपरेशन रियली काउंट्स। क्या बात है। सुन रहे हैं आप लोग, सिर्फ जो मूल कर्तव्य है, जो मूल बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक नेचर है यूपीएससी का, इज लाइक दिस। सिर्फ और सिर्फ हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं सर, तो बहुत स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा होगा नहीं होगा एंड ऑल. सो आई थिंक जो आपने बोला कि बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए, वही बेसिक के लिए हम पढ़ाई करते हैं. बहुत रेलेवेंट है यूपीएससी का जो आप इतना बड़ा सिलेबस कहते हैं अंडर द सन. एक्चुअली इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी आप कोई भी तैयारी करें ना, एक क्वेश्चन जरूर पूछ लें वाई. कुछ भी आप करें वो, अगर आप पूरी अगर यूपीएससी की तैयारी भी देखें क्यों करनी है. जब अगर आपको आंसर मिल गया, तैयारी आए तो आपने लगा कि ये बुक पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, ये चैप्टर पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है. जब आप वो क्यों के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, वाई के आंसर्स, तो अपने आप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अलाइन होती जाएगी. हाँ बिल्कुल. मैंने लोग व्हाट ढूंढते हैं, लोग हाउ ढूंढते हैं. Why is the first thing? Why you want to do? Why के बाद how and what आता है? What आता है, right? So ये सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट है. एक so PSIR आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे आप, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए थे आप, और सेकंड अटेम्प्ट में यू क्रैक्ड यूपीएससी. सो जब नहीं क्वालिफाई कर पाए तो क्या इंटरव्यू रीजन था या फिर ऑप्शनल रीजन था? Mains as a whole reason था, optional नहीं था, but mains answer writing was an issue. Answer writing and was interview was also an issue. Okay. तो दोनों चीजों में marks कम थे तो overall कम हो गए. Okay, okay. क्योंकि अब हमें ये self analyze करना जरूरी है कि in fact if you are sitting in an interview और unfortunately आपका last time नहीं हो पाया तो कहाँ पे वो gap था, तो आपने कैसे overcome किया उन चीजों को और then second attempt? तो जब मेरा रिजल्ट आया फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू मैंने दिया, दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में टर्न हो गया शायद, जो कि शायद मेंस में भी दिखा और इंटरव्यू में भी दिखा. जो एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं, तो जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके क्या मार्क्स हैं और मेरे क्या मार्क्स हैं. तो मैंने उनके साथ एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके किस किस सब्जेक्ट में एवरेज क्या मार्क्स रहे हैं. एंड देन आई रियलाइज दैट आई एम 100 मार्क्स शॉर्ट ऑफ गेटिंग रैंक 10, टॉप 10. आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट गेटिंग दैट बॉटम रैंक. जब आप तैयारी करते हैं तो बेस्ट के लिए तैयारी करते हैं. तो जो मैंने टॉप 10 का एवरेज, क्या स्कोर आपने टारगेट किया था कि इतना स्कोर मुझे चाहिए? मुझे स्कोर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट वाज 100 अबव व्हाट आई वाज गेटिंग. तो देन आई रियलाइज कि यूपीएससी मेंस में 4 पेपर्स होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, ऑप्शन लगा लें तो 6 होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली और इंटरव्यू के अलग मार्क्स होते हैं. तो इंटरव्यू में एवरेज से मेरे 20 मार्क्स कम थे. तो वहाँ मुझे 20 अचीव करना था एंड मेंस में मुझे 80 अचीव करना था. टोटल 100. हाँ, तो टोटल 100. तो ऐसा मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि मेंस में आई स्कोर 80 मार्क्स एंड कोइंसिडेंटली नेक्स्ट ईयर 100 मार्क्स ही ऊपर आए. क्या बात. बट व्हाट यू थिंक यू बिकम. बट क्योंकि कट ऑफ और बढ़ गई थी तो फिर मेरी रैंक फिर 83 आई, टॉप 10 में नहीं आ पाई. राइट. सो ये बहुत, दिस इज अ वेरी प्राइम एग्जांपल, क्योंकि अब आपने टारगेट कर लिया था 100, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि बॉस मुझे कहीं ना कहीं इस पहुंचना है रैंक तक. ग्रेट. ये सवालों की पर्चियां हैं, सब सर के साथ पूछनी है, कंफर्म करनी है. एग्मुट काडर का क्या रोल होता है? बिकॉज लोग स्टूडेंट्स, टीचर्स भी, फैकल्टी भी बहुत चार्म कहते हैं एग्मुट काडर का है. क्यों ये स्टेट काडर से इतना डिफरेंट है? देखिए, जब आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं जी, तो इसमें आपका जो एग्जाम आप यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, बट देन यू आर अलॉटेड स्टेट्स व्हिच आर कॉल्ड काडर्स. तो आप यूपी काडर मिल सकता है आपको तमिलनाडु काडर मिल सकता है, एनीथिंग, राजस्थान, कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द योर रैंक, योर प्रेफरेंस एज वेल एज द वैकेंसीज अवेलेबल. तो जैसे कॉलेज में काउंसलिंग होती है उस हिसाब से आपका काडर अलॉटमेंट होता है. तो वंस यू आर अलॉटेड टू अ काडर तो आपका करियर लॉन्ग वो काडर आपके साथ फिक्स हो जाता है. भले ही आप डेप्यूटेशन पे अगर अलग जगह जाएं, बट आप कहलाते उसी काडर के हैं. तो एग्मुट काडर में एक यूनिक चीज ये है कि इट्स अ जॉइंट काडर. तो पहले ये यूटी काडर कहलाता था, यूनियन टेरिटरीज काडर. तो 60-70s में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज थी तो उनको कंबाइन करके एक काडर बनाया गया, उसको यूटी काडर कह दिया गया. तो ऑफिसर्स जितने भी थे वो सारे यूटी टू यूटी शिफ्ट होते थे। जैसे अगर आपको किसी को तमिलनाडु कार्डर मिला तो वो तमिलनाडु के अंदर ही उनकी पोस्टिंग्स होंगी। ओके ओके। बट यूटी कार्डर में यूटी टू यूटी, तो आपके चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ये सारी शिफ्ट होती रहती हैं। उसमें ओवर टाइम बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस कुछ यूटी स्टेट में कन्वर्ट हो गई, जैसे अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, बट कार्डर सेम रहा। तो वो दैट मेक्स इट आगमुट, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड अदर यूटीज आगमुट। जैसे जो सर्विसेज भी है डैनिप्स और डैनिक्स जी, है ना, उसमें भी आई थिंक दिल्ली, फिर पौंडीचेरी, इसमें जी लगभग ऐसे वो आगमुट काडर का आईएएस का स्टेट सर्विस की तरह, स्टेट सर्विस तरह। राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच। ये बहुत डाउट रहता है, बहुत लोग आगमुट काडर को नहीं समझ पाते हैं, बट ये एक मुझे लगता है कि ये रिवॉर्ड है फॉर टॉप 100 में भी जो सेलेक्ट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो मैंने लिखा हूँ आपसे पूछने के लिए, लाइफ में यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं तो प्लान भी कब से शुरू कर देना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड प्लान बी आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, आपको समझ में आना चाहिए वो प्लान बी कि आप व्हाई डू यू नीड दैट प्लान बी, राइट। पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज व्हाई, राइट। तो अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मैंने जब कॉलेज में तैयारी शुरू करी, थोड़ा अपना पढ़ना शुरू किया, तो बैक ऑफ द माइंड 3 चीजें चल रही थी, कॉलेज का प्लेसमेंट, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज बिकॉज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंड सिविल सर्विसेज। आपने दिया भी है इंजीनियरिंग? नहीं दिया नहीं, ओके, बट डेफिनेटली हाँ प्लान तो आपको सारे यू हैव टू सी और कितने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं और फिर उसमें आई यू चूज द बेस्ट वन, राइट। तो ये देखा जाए तो ये भी एक तरीके का प्लान बी था जो कि बहुत नेसेंट, बहुत ही शुरुआती उसमें था। अगर मान लीजिए मेरा यूपीएससी नहीं होता तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता अपने प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए, एक वो ऑप्शन हो गया। बट यूपीएससी में जब एक बार आ जाते हैं तो यूपीएससी की साइकिल इतनी स्ट्रांग होती है कि आप बाहर निकल नहीं पाते। बाय द टाइम यू फिनिश ऑफ योर मेंस आपको लगता है यार प्रीलिम्स जो है वो 3 महीने बचे हैं, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं किसी और चीज़ के लिए। तो पहले ही आपको सोचना पड़ता है कि व्हाट आर योर प्लान बी ऑप्शंस, ओके, एंड आप उनकी तैयारी कब से करेंगे, ओके। तो मैंने अपने लिए, मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर सकता, अपने मैंने सोचा था कि मुझे 2 अटेम्प्ट सीरियसली देने हैं, ओके, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितना डेडिकेटेड हूँ अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, अगर होना है तो वो 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा, नहीं तो देंगे अटेम्प्ट आगे भी, बट देन देयर इज सम अदर फोर्स व्हिच इज स्टॉपिंग इट, राइट, प्रायोरिटीज थोड़ी सी, हाँ, तो फिर आपको कुछ और भी साथ में करना है, ओके। तो मैंने 2nd अटेम्प्ट का जो मेंस था उसके बाद मैंने अपना जो प्लान बी है वो स्टार्ट कर दिया था, ओके। बट मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, एंड 3 दिन में मेरा इंटरव्यू लास्ट में था, बताया आपने, 24 अप्रैल को इंटरव्यू था और 27 अप्रैल को रिजल्ट आया था। तो मौका ही नहीं मिला सोचने का कि डेफिनेटली आगे क्या करना है। बट प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हर एस्पिरेंट अपने हिसाब से चूज कर सकता है, अपने स्टेज के हिसाब से। कुछ लोग को अपने जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें आगे जाना होता है, कुछ लोग शायद पहले कुछ और क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, शायद बैंकिंग एग्जाम पहले कर लिया और फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, right. तो दैट्स वेरी स्पेसिफिक टू एस्पिरेंट्स, वो एस्पिरेंट्स खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं और टाइम लिमिट भी खुद अपने हिसाब से दे सकते हैं। क्योंकि मैं एक फुल टाइम एस्पिरेंट था एंड 1st अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, तो मेरे हिसाब से 2nd अटेम्प्ट वाज द राइट टाइम टू क्लियर। बट मान लीजिए कि आप फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं है, आप साथ में जॉब कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू यूपीएससी इज रिड्यूस्ड। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2 अटेम्प्ट में मेरा हो जाएगा, तो नहीं, आपको फिर वो 3 या 4 अटेम्प्ट तक आपको लेके जाना चाहिए वो चीज। अगर आपका 2nd अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता फिर आप प्लान, मैंने आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी शुरू करी थी, ओके। प्लस मैंने जो मैं डेटा साइंस में काम करता था उसमें मैंने थोड़ा ऑप्शंस देखना शुरू किया था कि कैन आई कम बैक टू द सेम रोल। अच्छा, आज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम पर है, पीपल आर सेइंग कि नौकरियां जा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि यार कितनी चीज इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक द नेक्स्ट रेवोल्यूशन एंड यू वर इन दैट डोमेन आज से लगभग 8-9 साल पहले? कई बार लगता है, मैं क्योंकि जो मेरे साथ के जितने लोग हैं दे आर ऑल वर्किंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट नाउ एंड द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, लगता है। बट उस समय मैंने ही डिसीजन लिया था वो शिफ्ट करने का, एंड व्हाट आई वांटेड वेरी बैडली कि यूपीएससी क्लियर करना है। तब जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बस एक ही एम होता है लाइफ में कि बस लिस्ट में नाम आ जाए, जब आप वो पीडीएफ सर्च करते हैं। अच्छा, कैसे सर्च किया था वो? कंट्रोल एफ या फिर? नहीं, कंट्रोल एफ किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। कंट्रोल एफ किया, हिम्मत चाहिए, पता है, और कंट्रोल एफ किया और फिर वो एक साउंड आती है, बेल रिंग होती है अगर मैच फाउंड नहीं होता है तो टुडुंग, तो वो पहले अटेम्प्ट में आई। तो मैंने अपने नाम के हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के वो चेक किया कि अमोल को अनमोल करके देखा, श्रीवास्तव में एच हर जगह लगा के देखा, बट नहीं आई। एंड सेकंड अटेम्प्ट दो लोग भी कभी-कभी हो जाते हैं, हाँ, बट वो आवाज आ गई तो नो मैच फाउंड। बट सेकंड टाइम जब मैंने देखा, बड़े डरते हुए देखा, बट आवाज नहीं आई। फिर भी मैंने खुद ही देखा था, मैंने फिर भी मैंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेकंड अटेम्प्ट में देखे कि कहीं गलती से तो मेरा नाम नहीं आ गया। तो बट दैट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। तो क्या माहौल था उस टाइम पे घर पे? एंड एवरीबॉडी, नहीं, सब लोग खुश हुए। आई थिंक मेरे घर पे और मेरा मोर देन ये देखना कि क्या मिला है, एक ये सेंस ऑफ रिलीफ था कि जो जिस चीज के लिए 3 साल से आप सब कुछ छोड़ बैठे थे एंड यू वर 24 आवर्स एंगेज्ड विद दैट, फाइनली अचीव्ड दैट। अब वो चाहे वो कुछ भी हो, क्या आईएएस मिलता नहीं मिलता, क्या कार्डर मिलता, दैट वाज ऑल सेकेंडरी। तो साथ में ये भी देखा होगा सर्विस कौन से, वो बाद में आता है। और फर्स्ट डे से रैंक आती है, फिर सर्विस 1-2 महीने बाद। इतना तो खैर हो ही गया था कि, बट हाँ, विदिन 100 है तो। राइट, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत फील्ड की जॉब है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है और कहते हैं कि आपको मैनेज करना पड़ता है वर्क लाइफ। तो कैसे एक आईएएस ऑफिसर को वर्क लाइफ बैलेंस, आपका क्या, आप क्या कहेंगे इस पर? इसको मैं पिछले से ही शुरू करूँगा। आप इतने जब आप तैयारी करते हैं, द ओनली एम यू हैव कि भाई क्लियर हो जाए एग्जाम, तो वो जो चार्म होता है, आई थिंक दैट टेक्स इट। जब आपको जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, फिर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दिखता। जब जिसको सिंगिंग का पैशन है, जिसको डांसिंग का पैशन है, जिसको जिमिंग का पैशन है, तो वो ये नहीं देखता कि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं कि तो मैं रियाज करूँ, मैं प्रैक्टिस करूँ कि ना करूँ। जिसको स्पोर्ट्स का शौक है वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली गोल दैट यू हैव। सो दैट इज ऑन द साइड कि भाई हम ये चाहते थे इस जॉब में आना एंड हम आ गए एंड आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है। सर्टेनली। सेकेंडली, जब आप उस पोस्ट पे होते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, तब दैट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल जॉब कि आपका वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला रिलेशन नहीं होता है कि इन्होंने मुझसे ज्यादा काम क्यों करवाया या मेरी तो शिफ्ट इतने तक ही थी। You are the head of the district. You are the head of the department. Right. तो आप किसी कंपनी के CEO से पूछिएगा, उनके लिए तो वो कंपनी is like their own. Yeah. They don't have that employee-employer relationship with that. Same goes with civil services also. Right. The kind of post that you have, उसमें आपका कोई employer नहीं है. Basically the common people are your employers. Right. तो आपको उनके लिए काम करना है. Right. तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस हाँ बिगड़ता है, बिकॉज आपकी 24 आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Right, रात को भी कुछ हो जाए तो यू हैव टू गो देयर, बट दैट कम्स फ्रॉम विद इन। आप तब ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरी शिफ्ट तो 5 बजे तक की थी, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। देन आपको फर्स्ट प्लेस में आना ही नहीं चाहिए था। हाँ. आपको वहाँ पे वाई चूज करना चाहिए था कि व्हाट व्हाई डू यू वांट टू कम इन। 9 to 6 पसंद है आपको, 9 to 5 पसंद है, संडे सैटरडे ऑफ चाहिए। देन देयर वर सो मेनी अदर ऑप्शंस, राइट राइट, बट आप आए तो आपने वहाँ वाई गलत चूज किया बिगनिंग में। राइट, ग्रेट। नहीं, ये हाँ काफ़ी थॉटफुल एक्सप्लेनेशन रहा है ये, कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं जॉब में आने के बाद भी एंड दे रिजाइन और मे बी दे ऑप्ट फॉर डिफरेंट सर्विसेज। सो आई थिंक वो वाई वाला फैक्टर डेफिनेटली स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं, बट वो हर जगह है। हाँ, नो डाउट, नो डाउट। तो आप यू हैव टू बी ऑन द टॉप एंड फेस दोस स्ट्रेसेस और यू हैव टू बी ऑन द बॉटम एंड डोंट फेस एनीथिंग। राइट, दैट्स अप टू यू। डेफिनेटली। मेरे लास्ट सेकंड क्वेश्चन है प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि अभी 28 में को यूपीएससी का प्रीलिम्स है एंड प्रीलिम्स स्क्रीनिंग एग्जाम है, लगभग 10-12 लाख लोग देते हैं। सबसे टफ तो लोगों को यही लगता है, प्रीलिम्स ही लगता है। तो आपकी क्या एक्सपीरियंस अपने 2 प्रीलिम्स, क्योंकि आपने प्रीलिम्स बैक टू बैक क्लियर किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है प्रीलिम्स, कैसे आप गाइड करना चाहते हैं इनको कि भाई इस तरीके से करो? 28 तारीख को है प्रीलिम्स, तो नॉट मच टाइम इज लेफ्ट, तो मैं कोई डिटेल स्ट्रेटजी तो नहीं, 10-12 दिन ही बस बचे हैं। हाँ, तो इसमें बस ये बोलूंगा कि जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने तैयारी नहीं करी उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये दिस इज द टाइम जहाँ आप आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा काम करना है। पढ़ाई तो आपने कर ही रखी है, राइट। इस समय क्या होगा, बहुत मार्केट में मटेरियल आएगा, आपके दोस्त लोग से इंटरेक्शंस होंगे, एंजाइटी होगी, वो बोलेंगे यार मैं तो इस किताब से पढ़ रहा हूँ, इसमें तो लिखा है कि 70 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉप दिस बुक, मैं इस मटेरियल में देख के उन्होंने बोला है नहीं 80 क्वेश्चन इससे ही आएंगे तो ये पढ़ लेते हैं। तो वहाँ मेंटल स्ट्रेंथ आप खो के आप किसी और पे विश्वास करने लग जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई पे विश्वास छोड़ के आप एक नए मटेरियल पे विश्वास करते हैं ये सोच के कि उसमें कुछ जादुई फॉर्मूला है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, जो भी नोट्स बनाए, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जितने टेस्ट दिए हैं और दीजिए, अभी एक हफ्ते तक तो टेस्ट देने ही चाहिए, नेक्स्ट 15 डेज है तो। अच्छा, जब टेस्ट हम दें तो दिमाग में क्या चीजें रख के दें? टेस्ट आप दे रहे तो एग्जाम एनवायरनमेंट से आपको टेस्ट देना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया, जब आप टेस्ट सीरीज अगर घर पे दे रहे हैं तो टेबल और चेयर भी अलग कर लीजिए, क्योंकि जिस टेबल पे आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं अगर उसी पे टेस्ट देंगे तो आपके कंफर्ट लेवल बना हुआ है उस पे, उस एनवायरनमेंट में। तो अगर आप एक अपना कोई भी और चेयर या कोई भी टेबल ले लीजिए और कोशिश करिए जितनी टूटी हो उतना अच्छा, क्योंकि सेंटर में वो टूटी मिल सकती है आपको, तब आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि पंखा मेरे टेबल के ऊपर क्यों नहीं है और मेरी टेबल अच्छी वाली क्यों नहीं है। तो जो भी आपको सबसे खराब टेबल चेयर और सबसे गर्म कोना अपने घर का मिले वहां पे बैठ के आप टेस्ट दीजिए। वो एक सेइंग है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल, राइट। तो ये एग्जाम की तो आप टेस्ट की प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। अच्छा, इस टाइम पे अभी 10-12 दिन बचे हैं तो क्या पीवाईक्यूज रेलेवेंट है? देख पीवाईक्यूज आर रेलेवेंट ओनली व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। वो तो पीवाईक्यू है, वो तो पिछले साल आ ही चुके हैं, तो अगर आपने इतनी देर कर दी उनको देखने में तो दैट मींस यू आर नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट। वो तो फर्स्ट स्टेज होता है, पीवाईक्यूज आर द फर्स्ट स्टेज। अब आप शुरू करते हैं कि वाई क्वेश्चन है कि इस एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है, क्योंकि फिर ये मुझे टॉपिक क्यों पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल भी आया था, पिछले साल आया था तो किस तरीके से आया था, तो वो पीवाईक्यू में मिल जाता है। अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स सर ये पीवाईक्यूज लास्ट मोमेंट में लगाने लगते हैं, काफी पीवाईक्यू लगा, तुमको लगता है हाँ शायद मे बी पैटर्न ये है, यहाँ चीजें आ जाएंगी, तो क्या पता इसी में से कुछ आ जाए। पीवाईक्यू आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट, पर पहली बार नहीं आना चाहिए। पहली बार अगर आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको नहीं पता है बट आप डर गए यार अगर ये आ गया, तो फिर आप क्या अब फिर से अपनी प्रिपरेशन का वो छोड़ के वो टॉपिक पढ़ने लग जाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटीज आई डोंट नो बहुत कम हो सकती है कि दोबारा आए ना आए, सर्टेनली। बट आपने अगर देख रखा है तो दोबारा आप पीवाईक्यू देख लीजिए, थोड़ा लैंग्वेज समझने के लिए, फॉन्ट समझने के लिए, कितना लेंदी होता है पेपर, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज के पेपर्स होते हैं दे आर मोर कंप्यूटराइज्ड एंड अलग फॉर्मेट में होता है, सरकारी पेपर्स एक अलग फॉर्मेट में आते हैं, वो फैमिलियराइज करने के लिए इट्स गुड, बट उस समय आप तैयारी नहीं कर सकते पीवाईक्यू से, राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये तो पहले ही कर लेना चाहिए, हमें डायरेक्शन पहले पता चल जानी चाहिए कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे अपनी। पढ़ाई से बात तो मुझे याद आई कि आपकी पूरी पढ़ाई यूपीएससी की यूट्यूब से हुई है, और हम आप YouTube से जुड़ते भी हमारे साथ और लाखों एस्पिरेंट्स YouTube से पढ़ रहे हैं, सो YouTube से पढ़ते वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरी पढ़ाई फिजिकल फॉर्म में भी कोचिंग में भी हुई है, बट क्योंकि कोचिंग इज अ फाउंडेशन, तो पहले 5-6 महीने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आप एक अलग बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं और आपको नहीं समझ में आती हैं कुछ चीज़ें, तो आप ले सकते हैं। और जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब YouTube एज अ मीडियम वॉज नॉट वेरी, इतना कॉमन नहीं था, वो जब मेरे सेकेंड अटेम्प्ट आया तब जाके वो कॉमन हुआ, जब इंटरनेट थोड़ा वो हुआ, मास प्लान्स आने लगे, बड़े जीबी के प्लान्स आने लगे, एंड तब टॉपर्स भी अपनी स्ट्रेटेजीज आके शेयर करने लगे, दैट वाज द टाइम। तो मेरा पहला एक साल तो विदाउट यूट्यूब गया, सेकंड ईयर में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, बट आज की डेट में जब मैं देखता हूँ यूट्यूब इज ओवरलोडेड, बहुत कंटेंट है, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा भी कंटेंट है, मतलब हर चीज पे कंटेंट है जो कि जिसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे बस यही कहूंगा कि जस्ट वाई फिर से पूछिए कि अगर ये वीडियो आई है तो आपको क्यों देखनी है, ये आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, सिलेबस में है कि सिलेबस में, पहली बात तो सिलेबस में है कि नहीं, अगर है तो प्रीलिम्स के सिलेबस में है कि मेंस के सिलेबस में, अगर मेंस के सिलेबस अगर किसी सिलेबस में मिल भी गई तो उसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं ऐसे टॉपिक्स से, राइट। तो वो एक बार देखिए, अगर आपको देन इफ वो चेकलिस्ट अगर आपकी मैच कर जाती है कि हाँ यार ये तो बहुत काम का टॉपिक है, तो ही उस वीडियो को देखिए, ऐसे फिल्टर आउट कर लीजिए। अगर आप ऐसे प्लेलिस्ट की तरह देखने लगे यूट्यूब पे फिर आपकी तैयारी तो नहीं हो सकती है, सिर्फ उस चैनल के व्यूज ही बढ़ेंगे। राइट राइट राइट। एक बहुत इमोशनल क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, सबसे पूछता हूँ, सबसे पूछना भी चाहिए कि लबासना का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और नहीं, लबासना एक्चुअली इज़ अ वेरी इमोशनल, क्योंकि जब मैंने कॉलेज में देखना शुरू किया तो बहुत कुछ वीडियोस मिलते थे जो उस समय के टॉपर्स शायद अपने भारत दर्शन के वीडियो शेयर किया करते थे, 2008-09 बैच के जो, तो वो अवेलेबल थे यूट्यूब पे कुछ। अच्छा। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ऐसा दिखता है लबासना एंड वो, एंड एक बार मैं मसूरी गया भी था ऐसे ही घूमने। अच्छा, तो मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? उससे पहले, मतलब बीच में गया था तैयारी से पहले। तो पर पता था कि ये लबासना है। अच्छा, पता था? हाँ, वो तो। Did you go there? हाँ, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। हाँ। तो वहाँ आप चाहे कोई भी हो, आपको नहीं अंदर जाने दिया जाएगा unless you clear the exam and कहीं वहीं का तो नहीं था गुस्सा कि अब मुझे बिल्कुल अंदर एक बार आके दिखाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं था। That was like a temple, right? कि देखा था बस कि हाँ यहाँ जाना है। यहाँ मेरे जो दोस्त लोग प्लान करते थे कि हमें हार्वर्ड में पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, तो मुझे लगा मुझे लबासना जाना है। क्या बात। तो वो दैट वाज वेरी इमोशनल। जब हम लोग गए, जब पहली बार एंट्री लेते हैं तो सबके आंखों में आंसू होते हैं उस समय कि फाइनली यू हैव अराइव्ड, राइट? सो दैट वाज एक्चुअली इमोशनल एंड दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, राइट? वहां पे जो भारत दर्शन आपने बताया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। भारत दर्शन भी बहुत फेमस है आईएएस ट्रेनिंग में एंड इट्स वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। लगभग 1.5 महीना एक बार ऑन योर सूटकेस एंड बस ट्रैवल आप कर रहे होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी होती हैं वो चीज़ें, न्यूज़पेपर में पढ़ी होती हैं, बट आप बहुत सारे देश में क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या हिस्टोरिकल हमारे प्लेसेस हैं देश में, कल्चर समझ में आता है, अलग अलग स्टेट्स का कल्चर समझ में आता है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में काम कर रहे हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशंस या कुछ कई जगह कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ले जाया जाता है, मैंने सुना है। जी। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, दैट व्हाट यू हैव स्टडीड एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, उसके बीच में एक झलक मिल जाती है। राइट। उस दौरान में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होती है, तो वो कैसा, क्या फील था कि यार पढ़ना ही तो होता है, सिर्फ पढ़ के मैं यहाँ इन लोगों से मिल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द सीएम? एक्चुअली वो ट्रेनिंग के बाद होता है, जब फील्ड ट्रेनिंग के बाद होता है, एंड ड्यूरिंग फील्ड ट्रेनिंग आप यूज्ड टू हो जाते हैं इन सब चीज़ों के। ओके। बिकॉज आप बहुत सारे हाई प्रोफाइल विजिट्स प्लान करते हैं आप, एंड ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर एनीबॉडी, राइट, टू गो टू दोस प्लेसेस। बट आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो मोर देन आप ये देखें कि हम सिर्फ पढ़ के आए हैं, आपके आपको एक योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि आप इतनी जल्दी इतने इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो यानी दैट मींस यू हैव लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स, राइट? आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो एक वो थोड़ा सा एक वो नर्वसनेस भी होती है वहां पे, राइट? विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज। क्या बात है। आखिरी सवाल, बहुत ज्यादा देर तक नहीं ये सेशन चलने दूंगा। मेंटर्स का क्या रोल है हमारे जीवन में? एनीबॉडी, बी इन यूपीएससी एस्पिरेंट और एनीबॉडी। देखिए, मेंटर्स का रोल जीवन में तो बहुत होता है, क्योंकि आप किसी को, एंड मेंटर ऐसा नहीं होता कोई वन ऑन वन मेंटरशिप हो रही है, आप किसी को दूर से देख के भी फॉलो कर सकते हैं, रोल मॉडल। एंड मेरे लाइफ में कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं रहा है। मैंने सबसे जो मुझे कुछ मिल पाया तो वो मैंने अपनाया। जो मेरे कॉलेज में सबसे शैतान लोग भी होते थे, उनसे भी मैं सीखता था कि कैसे बच के निकलना है चीज़ों से। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू टेक फ्रॉम व्हाट यू सी अराउंड, राइट? तो उसमें आप क्या अचीव, वही फिर से मैं उस वाइफ कहूँगा कि आप वो क्या चाहते हैं आगे अचीव करना। एंड अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन देखें तो मेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इट्स अ वास्ट ओशन, राइट? इतना कुछ है, अब तो इतना कंटेंट ओवरलोडेड है, मटेरियल ओवरलोडेड है, सब कुछ एक तरीके से थाली पे परोसा गया है, और एग्जाम वही है। तो जो एक पहले टाइम पे शायद न्यूज़पेपर पढ़ना एक कला होती थी कि कौन पढ़ पा रहा है वो सेलेक्ट हो रहा है, आज इतने लोग बैठे हैं ये बताने के लिए कि इस आर्टिकल को कैसे पढ़ना है। न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, सही बात। आर्टिकल स्पेसिफिक वीडियोस हैं, राइट? तो मेंटरशिप भी इम्पोर्टेंट है ये देखने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट? क्या करना है तो कैसे करना है, किस हद तक करना है, उस पे क्या कितना टाइम देना चाहिए। मान लीजिए कोई आप आपको कोई चीज पसंद आ गई, बहुत लोग इनको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत पसंद है जी, हाँ। तो आपको पसंद आ गई वर्ल्ड हिस्ट्री, क्वेश्चन उससे यूपीएससी में सिर्फ 1 या 2 आते हैं, ओके, और आपने लगा दिए उस पर 2 महीने बिना किसी गाइडेंस के, और पॉलिटी आपको कम पसंद है पर आते उससे 20 क्वेश्चंस हैं और वो पढ़ाई नहीं, एक हफ्ता उसको, तो कहने को तो आपने पढ़ाई बहुत करी है पर जब तक कोई आपको गाइड नहीं करता है। अब वो मेंटरशिप आप सेल्फ मेंटरशिप भी ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि क्या टॉपर्स ने बोला है, क्या फैकल्टीज बता रही हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में, देन यू डिसाइड कि कितना किस एक्सटेंट तक कोई चीज करनी है। डेफिनेटली। तो मैंने बहुत सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने तैयारी की, वो उनको हिस्ट्री पसंद आती थी तो हिस्ट्री ही पढ़ते रहते थे हमेशा। अच्छा। और मुझे सब्जेक्ट्स एवरेजली पसंद थे सारे, ओके, नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन एनी बट एवरेजली पसंद थे, तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ता था, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि यूपीएससी में उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। राइट। डेफिनेटली इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हमें एक चीज ये समझ में आई है कि टारगेट प्लानिंग होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, फिर वाई ढूंढना है अपना कि भाई क्यों कर रहे हैं, और आई एम श्योर जिस तरीके से आपने बताया है इन लोग को डेफिनेटली समझ में आई होगी चीज़ें। सो मैं बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि कुछ आपको देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, आपने मेंटरशिप भी ली है यहाँ पे, एनीथिंग वुड यू लाइक टू टेल देम बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ टॉपर, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर कि इस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए? आई थिंक आपने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे ऐसा ही लग रहा था कि देयर इज अ बिग क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, और वो मुझसे एक एक करके वैसे सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक हमने काफी सारी चीजें एक्सटेंसिवली कवर करी हैं, एंड आपने देखा होगा कि मैंने इंटरव्यू में कोई भी टेक्निकल बात नहीं करी है, हाँ। मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हाँ, हाँ, बिल्कुल, कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने एक जेनेरिक माइंडसेट बताया है। तो आप माइंडसेट पे अपने काम करिए, दैट इज माय ओनली। अगर आप मेरे और वीडियोस भी देखेंगे यूट्यूब पे तो हर जगह सिर्फ माइंडसेट की बात की गई है। पहले इस एग्जाम को समझिए, ब्लाइंडली तैयारी मत करिए, समझिए कि आपको इस एग्जाम से क्या चाहिए और इस एग्जाम को आपसे क्या चाहिए। डेफिनेटली। और फिर आप तैयारी करिए एंड जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप, और जैसे मैंने बताया कि आप भले ही 10 घंटा तैयारी कर लें बट वो तैयारी का डायरेक्शन सही नहीं है, उसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, तो आपके पेरेंट्स को, आपके दोस्तों को तो लगेगा कि आपने बहुत तैयारी की है और ये तो देखो कितना पढ़ाकू है, घर से भी नहीं निकलता है, बट आप शायद यूपीएससी ना क्लियर कर पाए या जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें वो ना क्लियर कर पाए। और फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार तैयारी तो मैंने दिन में 16 घंटे करी, क्लियर मुझसे हुआ नहीं एग्जाम, तो फिर आप बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएंगे एंड देन यू फील लाइक कि अरे तो सब खराब है, कुछ करना ही नहीं चाहिए, एंड देन बहुत तरह के आपके अंदर थॉट्स आते हैं, आप फिर कुछ और भी नहीं कर पाते हैं, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। right. तो अगर आप डिमोटिवेट हो भी रहे हैं तो आप पहले उसका वाई जानिए कि आप क्यों हो रहे हैं, एंड वो कहाँ से, वो उसका आपको आंसर रूट कॉज में मिलेगा जब right. आपने शुरुआत करी थी, right. तो मिल जाएगा आपको। ग्रेट, मजा आ गया बात करते, थैंक यू सो मच। सो अगर आप अभी तक टिके हुए हैं, एंड तक हैं, तो आई एम श्योर आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको यूपीएससी देना या नहीं देना है, क्योंकि वो वाई जानना बहुत जरूरी है, आपका क्यों देना है यूपीएससी। और कोई भी कभी भी अड़चन, कोई समस्या आती है तो पहले हमें उसको वाई के बारे में जानना, अगर जान लिए ये है तो फिर जैसा सर ने बताया टारगेटेड अप्रोच रखनी है। किताब तो पढ़ने का बहुत मन करता है, किसको नहीं मन करता, लेकिन एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद फिर अपनी लाइब्रेरी बनाना आप आराम से, है ना। सो थैंक यू सो मच अमोल सर, आप यहाँ आए और काफ़ी अच्छी बातें हुई यहाँ पे। विश करेंगे कि आप फिर से आएँ यहाँ पे, और इन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ये लाइट कैमरा इनके लिए, ये स्टूडियो माइक इनके लिए, ये बड़ा ऑफिस इनके लिए, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं इनके लिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। एंड आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई भी डाउट होगा और हमसे कोई सवाल छूट गए होंगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में मिस कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तब तक थैंक यू सो मच सर, एंड आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ।